और ब्लीडिंग फेज में इनिशियल स्टेजेस में क्या चेंजेस होते हैं ओवरी में और यूट्रस में, ये हमें समझ आ गया था। इनिशियली हम मींस ब्लीडिंग फेज का फर्स्ट सेकेंड डेज में क्या चेंजेस होते हैं, इन हॉर्मोन्स का सिक्रेशन कम हो जाता है और ओवरी में कंप्लीट डीजनरेशन हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम का, कॉर्पस एल्बिकेंस में, एंड जो आपका यूट्रस है उसमें क्या कन्वर्जन होता है वो हमने देख लिया था, एंडोमेट्रियम के टिश्यू रप्चर होना शुरू होके बाहर वेजाइनल ओपनिंग से ये बाहर आना शुरू हो जाते हैं। और कितना ब्लड लॉस होता है ये क्वेश्चन बन चुका है, एवरेज 40-80 ml ऑफ ब्लड लॉस होता है पर साइकिल, इस 4-5 दिनों में इतना ब्लड लॉस हो जाता है। एंड ऑफ द ब्लीडिंग फेज क्या क्या होता है, इन सभी हॉर्मोन्स जो वहां पे लो होते हैं वो उनका कंसेंट्रेशन थोड़ा बढ़ने लगता है ड्यू टू नेगेटिव इंपैक्ट, नेगेटिव फीडबैक, और उसके साथ साथ ओवरी में, कहां पे ओवरी में 6 से 12 प्राइमरी फॉलिकल स्टिमुलेट कर दिए जाते हैं फॉर द फर्दर डेवलपमेंट। प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी टर्सरी में, टर्सरी मैच्योर फॉलिकल में, इस डेवलपमेंट के साइकिल में ये 6 से 12 फॉलिकल एंटर कर जाते हैं डेवलप, फाइनली एक ही कोई कन्वर्ट होता है, एंड यूटराइन जो चेंजेस है उसमें से ब्लीडिंग जो है लगभग रुक सा जाता है या फिर कहे तो बहुत कम हो जाता है। ये दोनों ऑर्गन्स में चेंजेस आपने देख लिए पहले फेज में, ब्लीडिंग फेज में ये चेंजेस होते हैं। दूसरा, जो दूसरा फेज है जिसे हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफेरेटिव फेज या फिर एस्ट्रोजेनिक फेज या फिर प्रो ओवुलेटरी फेज, इतने नाम है। ओवुलेशन कौन से दिन पर होता है तो 14th डे याद रखना है, तो 14th डे के पहले वाला फेज है तो प्री ओवुलेटरी फेज कहा जाता है, ठीक है। इसमें इस फेज में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं एस्ट्रोजेनिक फेज। अब जरा याद करो एस्ट्रोजन कौन सिंथेसाइज करता है, थीका इंटरना, थीका इंटरना आता कहां है सेकेंडरी फॉलिकल में, प्राइमरी फॉलिकल एंटर कर गया फर्दर डेवलपमेंट टर्सरी फॉलिकल में, सेकेंडरी के बाद टर्सरी, तो 6 से 12 फॉलिकल्स आपके एंटर कर गया डेवलपमेंट में तो यही तो सेकेंडरी और टर्सरी बनेंगे, बने कन्वर्जन आएगा तो टर्सरी फॉलिकल इस स्टेज में बन चुका होता है तो मतलब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा तो एस्ट्रोजेनिक फेज कहा जाता है। और इसमें ये वर्ड यूज किया जाता है यूटराइन वॉल को के रिस्पेक्ट में, यूट्रस की वॉल एंड ऑफ द ब्लीडिंग फेज पूरी तरह से रप्चर हो गई थी, उसकी जो थिकनेस थी वो बहुत कम हो चुकी होती है एंड देन इस फेज में उस थिकनेस फिर से इंक्रीज करना शुरू करती है, मतलब एंडोमेट्रियम अगेन डिवाइड, उनके जो सेल्स हैं ब्लड वेसल्स हैं वो अगेन वो ग्रो करते हैं एंड थिकनेस फिर से बढ़ाते हैं फॉर द नेक्स्ट इम्प्लांटेशन के लिए, तो इस वजह से प्रोलिफरेट कर रहा है तो प्रोलिफरेटिव फेज बोल दिया जाता है। फॉलिकुलर फेज इसलिए बोलते हैं कि जो आपका ओवेरियन फॉलिकल है उसका डेवलपमेंट इस स्टेज में मेनली चलता है, 6 से 12 प्राइमरी फॉलिकल एंटर कर गए और फर्दर स्टेजेस इसमें कंप्लीट होते हैं तो इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं फॉलिकुलर फेज। क्या होता है फॉलिकुलर फेज का इनिशियल स्टेज में क्या होता है, जीएनआरएच एफएसएच एलएच एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है, 1 से 2 सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं, 6 से 12 एंटर करे थे 1 से 2 यहां इस स्टेज में बचते हैं उसमें से एक कोई किस में कन्वर्ट होता है टर्सरी फॉलिकल में और सारे डीजनरेट खत्म, ठीक है। यूटराइन ब्लीडिंग पूरी तरह से रुक चुका होता है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेटम फंक्शनलिस, जो एंडोमेट्रियम की लेयर है उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है इस प्रोलिफरेटिव फेज के इस इनिशियल स्टेज में शुरू हो जाता है, अभी वो चलेगा एंड ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेज तक। प्रोलिफरेटिव फेज का ड्यूरेशन याद रखना है पहले इस साइकिल से, देखो इस साइकिल में प्रोलिफरेटिव फेज चलता कितने दिन तक है, ब्लीडिंग फेज के एंड होते ही शुरू हो जाता है ये प्रोलिफरेटिव फेज टिल कहां तक 14th डे, एंड 14th डे को हमारा ओवरी क्या करता है ओवुलेशन, ये याद रखना है। तो यहां तक प्रोलिफरेटिव फेज है, उसके बाद शुरू हो जाता है कौन सा सिक्रेटरी फेज। पहले आपको ये डेज याद रखने हैं, प्रोलिफरेटिव फेज का कितना दिन चल रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो लगभग इसको हम लिखते हैं 7 to 9 डेज।
कितने दिन का चलता है प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है प्रोलिफरेटिव फेज में। अब देखो लास्ट में क्या चेंजेस होते हैं, टर्मिनल चेंजेस क्या है, इनिशियल चेंजेस तो आपने देख लिए, टर्मिनल स्टेज का चेंज क्या होता है। हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन गिव्स पॉजिटिव फीडबैक रिजल्ट इन द सर्ज ऑफ LH एंड FSH। ये पॉजिटिव फीडबैक देगा एस्ट्रोजन और LH एंड FSH का सिक्रेशन मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। एंड FSH सर्ज इज लेस देन LH सर्ज ड्यू टू, क्यों होता है। अब ये सर्ज का मतलब है क्या, अभी मैं ग्राफ दिखाता हूं तो आपको समझ आ जाएगा। टू द नेगेटिव फीडबैक ऑफ द इनहिबिटिंग या इनहिबिन बीइंग रिलीज फ्रॉम द ग्रेन्युलोसा सेल। इनहिबिन आपका बात हो चुका है, एक बार ये जरा ग्राफ देखना। आप देखोगे तो डेज आपके मेंशन है, इधर सबसे नीचे देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ये 5 डेज तक क्या चला मेंस्ट्रुएशन। तो देखो ब्लीडिंग, ये जो एंडोमेट्रियल वॉल है ये एंडोमेट्रियम के इवेंट्स हैं, तो ये रप्चर होके क्या हो जाता है, बिल्कुल इसकी थिकनेस कम हो चुकी होती है, बिल्कुल खत्म नहीं होती, एंडोमेट्रियम की थिकनेस कम हो जाती है। अब उसके बाद देखो ओवरी में क्या चेंजेस हुए, लगभग 6 से 12 प्राइमरी फॉलिकल का डेवलपमेंट इधर शुरू हो जाता है, पांचवे दिन में वो एंटर कर चुका होता है, आगे अभी बात करेंगे। इधर पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या चेंजेस हुआ, FSH और LH का सिक्रीशन नेगेटिव फीडबैक की वजह से कम हुआ होता है। फिर देखोगे जब प्रोलिफरेटिव फेज आता है तो प्रोलिफरेटिव फेज इसके बाद स्टार्ट होता है, तो उसमें देखो थिकनेस इसकी बढ़ने लगती है, थिकनेस इसकी बढ़ने लगती है, यहां कहीं जाके ओवल्यूशन होगा, 14th डे पर क्या होगा, ओवल्यूशन होगा। अब यहां पे देखो अभी क्योंकि कार्पस ल्यूटियम बना नहीं है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल देखो ग्राफ कहां पे है, क्योंकि फॉलिकल का डेवलपमेंट शुरू हो चुका होता है, टर्सरी फॉलिकल बन चुके होते हैं, इधर बन चुके होते हैं और टर्सरी फॉलिकुलर सेल्स ही एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करता है, तो एस्ट्रोजन का लेवल देखो बढ़ता जा रहा है, तो ओवल्यूशन के आसपास ओवल्यूशन के दौर पर लगभग एस्ट्रोजन मैक्सिमम होता है। अब यहीं पे अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो FSH एंड LH का देखो, LH का जो ये मैक्सिमम जो ये पीक है दैट इज द सर्ज ऑफ द LH एंड दिस पीक इज टर्म्ड एज LH सर्ज ऑफ द FSH। जो FSH का सर्ज है सॉरी LH का जो सर्ज है वो हायर पीक पे होता है एज कंपेयर टू FSH, और LH और FSH को स्टिमुलेट करता है कौन, GnRH, है ना। तो ये मैक्सिमम इनका सर्ज जो होता है इस प्रोलिफरेटिव फेज के एंड पर आता है, एस्ट्रोजन का, LH का और FSH का मैक्सिमम कंसेंट्रेशन होता है इस दौर में, 12 to 14 डेज के आसपास। तो फॉलिकुलर सेल्स इनका सिक्रेशन कर रही हैं। अब उसके बाद देखो ओवरी में क्या चेंजेस होते हैं, ये तो हार्मोनल चेंजेस हो गए, ठीक है। ओवरी में क्या चेंजेस होते हैं वो देखो, ओवरी में चेंजेस होते हैं टर्मिनली, टर्सरी जो फॉलिकल है वो मेच्योर कर जाता है ग्राफियन फॉलिकल में, एंड प्राइमरी ओवोसाइट जो है इसका मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करेगा, ये सब बातें आपको पहले से पता है। एंड स्वेलिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल ड्यू टू इंक्रीज इन द एट्रियल एंट्रल फ्लूड, एंट्रल फ्लू बोले तो जो एंट्रम बना, जो वो आपका क्या बोलता लिकर लिकर फॉलिकुली, उसका अमाउंट बढ़ने लगता है। सिंथेसाइज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स रिजल्टिंग इन द रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड रिजल्टिंग इन द ओवल्यूशन। जो ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स बनते हैं लास्ट की जो थिन मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर होएगी एंड एंड ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेज एग इज रिलीज्ड, 14th डे पर एग रिलीज कर दिया जाता है ओवरी से। अब इसी के साथ साथ यूट्रस में क्या चेंजेस होगा, देखो इधर यूट्रस में चेंजेस होते हैं, मायोमेट्रियल हाइपरट्रॉफी दैट इज द इंक्रीज इन साइज ऑफ मायोमेट्रियल सेल या थिकनेस ऑफ जो यूटराइन वॉल है वो इंक्रीज करा, वो आपने अभी नीचे ग्राफ में देखा है। तो ये साइमल्टेनियस चेंजेस हैं, साथ साथ ये चल रहा होता है। अब जो लास्ट फेज है ल्यूटियल फेज वो अपन को देखना है। इसके इनिशियल फेज में इन सभी हॉर्मोन्स का नेगेटिव फीडबैक की वजह से सिक्रीशन कम होने लगेगा। नेगेटिव फीडबैक कौन डालेगा, FSH या आपका इनका एस्ट्रोजन, FSH, LH, ही पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस दोनों पे नेगेटिव फीडबैक डालेंगे और उनका सिक्रीशन कम हो जाएगा। एंड ओवरी से क्या हो जाता है,
ये रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल से एग बाहर चला गया, बचा हुआ पार्ट क्या बना देगा, पहले कॉर्पस हिमोरेजिकम बनाएगा और कॉर्पस हिमोरेजिकम कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, एंड कॉर्पस ल्यूटियम मैक्सिमम डेवलप्ड होता है 22nd डेज पर, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो 7-8 दिन के बाद क्या कर जाता है, कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्जन शुरू हो जाता है, वो 23rd डे से कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है। एंड देखो 14th डे पर क्या शुरू क्या हो गया, ओव्यूलेशन हो गया, ठीक है। और अब एक बात ऐड कर रहा हूं, स्पर्म के लिए पहले सुनना, स्पर्म फीमेल जेनिटल ट्रैक में 24 to 48 hours तक सर्वाइव कर सकता है, कितना 24 to 36 या 48 hours तक सर्वाइव कर सकता है, मतलब अगर 14th डे के पहले हम बात करें तो 13 डे पर अगर सीमेन रिलीज करा गया है तो वो फीमेल जेनिटल ट्रैक में होगा, और 14th डे पर एग रिलीज होने के बाद फर्टिलाइजेशन का चांस है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है। 14th डे के बाद जो एग है वो इस फीमेल जेनिटल ट्रैक में 24 hours के लिए सर्वाइव करता है, एग 24 आवर्स के लिए सर्वाइव करता है, मतलब 15th डे तक एग रहेगा, कहां रहेगा, ओवरी में नहीं, अब फेलोपियन ट्यूब में, कहां रहेगा, फेलोपियन ट्यूब में। अगर इस 15th डे तक स्पर्म का एंट्री होता है या स्पर्म फीमेल जेनिटल ट्रैक में होता है तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस अगेन हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हुआ होगा तो अब देखो इसमें एंड ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेज में तो जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है लगभग ग्रो कर चुकी होती है, ठीक है, मींस एंडोमेट्रियम तैयार है फॉर द क्या, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के लिए वो रेडी है, उसकी सारी वो प्रिपरेशंस हो चुकी हैं। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनेगा और जाइगोट एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट करेगा, सिंपल सी बात है। अगर एग मर गया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर फर्दर चेंजेस होंगे, वो क्या होंगे, अब सिक्रीटरी जो ग्लैंडुलर एडहेसिव नेचर है एंडोमेट्रियम का और बढ़ने लगता है इस फेज में, इनिशियल स्टेजेस में थिकनेस यूटराइन वॉल की मैक्सिमम हो जाती है, कब, 23rd डे पर, और एंड ऑफ द सिक्रीटरी फेज में क्या होगा, देखो 23rd के बाद, क्योंकि 23rd के बाद, अब ओवल्यूशन के बाद, एक बात और हमने कल ऐड करा था कि ओवल्यूशन होने के बाद कॉर्पस एल्बिकेंस नहीं कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो जाता है, एंड कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिंथेसाइज करता है, प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन का रोल क्या था, टू मेंटेन एंडोमेट्रियल थिकनेस, एंडोमेट्रियम की थिकनेस को क्या करता है, मेंटेन करता है, इस लायक बनाता है एंडोमेट्रियम की वॉल को कि इम्प्लांटेशन हो सके। जब 23rd डे पर कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट करना शुरू कर देगा तो मतलब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होना शुरू हो जाएगा, तो मतलब वो सारी प्रिपरेशन जो इम्प्लांटेशन के लिए थी वो रप्चर होने लगेंगी, वो खत्म होने लगेंगी, तो वही एंड ऑफ द ल्यूटियल फेज में क्या होगा, देखो टर्मिनल स्टेज में इंक्रीज्ड प्रोजेस्टेरॉन गिव नेगेटिव फीडबैक, 23rd तक कॉर्पस ल्यूटियम मैक्सिमम प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा देता है, एंड ये नेगेटिव फीडबैक होगा तो इनका लेवल कम हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन इनका क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को डीजनरेट करना शुरू कर देगा, एंड डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इनटू एल्बिकेंस, तो अपने आप ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन जाएगा। अब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन जाएगा तो GnRH LH FSH का सिक्रीशन बढ़ने लगता है, इनका सिक्रीशन बढ़ेगा, नेगेटिव फीडबैक डालता है, जब वही कम होने लगा तो इनका सिक्रीशन बढ़ेगा। उसके बाद जो साइज है किसकी, एंडोमेट्रियम की, वो डिक्रीज करना शुरू कर जाएगी, जिसे हम बोलते हैं मायोमेट्रियल अट्रॉफी। अट्रॉफी का मतलब ब्लड सप्लाई ब्लॉक होने लगती है, जब ब्लड सप्लाई कम पड़ने लगेगी तो एंडोमेट्रियम की वॉल रप्चर होके बाहर, तो एंड ऑफ द ल्यूटियल फेज के बाद क्या होता है, ब्लीडिंग फेज स्टार्ट, एंड ब्लीडिंग फेज में क्या होता है, एंडोमेट्रियम रप्चर होके बाहर। क्यों हुआ ये, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होने की वजह से। 23rd डे पे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब ऐसा होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तब ऐसा होता है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है
तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा, और कॉर्पस ल्यूटियम अगर मेंटेन है तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मेंटेन रहेगा, और प्रोजेस्टेरॉन का रोल क्या है, टू मेंटेन द एंडोमेट्रियल वॉल, एंडोमेट्रियल वॉल को मेंटेन रखेगा तो उसमें फीटस इम्प्लांट करे, एजाइगोट इम्प्लांट करे, एम्ब्रियो आगे का डेवलपमेंटल स्टेज पूरा करता है। कई बार आपने, चलो पहले ये ग्राफ समझ लो फिर मैं आपको एक और बात बताता हूं, इधर देखो। अब ल्यूटियल फेज पे आ जाओ, ओवल्यूशन हो गया 14th डे पर, अब देखो यूटराइन वॉल और थिक हो गई, यूटराइन वॉल और थिक हो गई, कब, दैट इज अ मैक्सिमम थिकनेस एट 23rd डे, ठीक है। और उसके बाद ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल देखो 23rd डे के आसपास मैक्सिमम हो गया, अभी कम था फिर बढ़ना शुरू करता है, ओवल्यूशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनना शुरू हो गया, तो मतलब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ना शुरू हो गया। और एस्ट्रोजन, क्योंकि एस्ट्रोजन का सिंथेसिस फॉलिकुलर सेल करता है तो फॉलिकल तो रप्चर हो गया, एग रिलीज कर दिया, तो इसके बाद इसका कंसेंट्रेशन कम होने लगता है। और अब कम होने के बाद मैंने एक और बात लिखाया, ये लिखवाया है कि भाई जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो भी एस्ट्रोजन का सिंथेसिस करता है, इसलिए देखो यहां पे ये ग्राफ उठता हुआ दिख रहा है, ठीक है, ये बात समझ आ गई। उसके बाद देखो कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट 23rd डे पर ये मैक्सिमम डेवलप हो चुका होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो 23rd के बाद ये डीजनरेट कर जाता है, डीजनरेशन जैसे जैसे शुरू होता है वैसे देखो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन, ठीक है, बनाता प्रोजेस्टेरॉन को तो यही है कॉर्पस ल्यूटियम, जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेशन की कंडीशन में चला जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नीचे चला जाएगा। अब ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नीचे गया तो फिर से देखो यहां पे वही साइकिल फिर से रिपीट हो जाती, इस 29 के बाद देखो फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट साइकिल है, एंड फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट साइकिल पे क्या है, ब्लीडिंग स्टार्ट, बात समझ आई, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन फिर से अपने इस लेवल पे चला गया, और ये लेवल प्रोजेस्टेरॉन का इस लेवल पे पहुंचने के बाद एंडोमेट्रियम को मेंटेन नहीं किया जा सकता। अब उसके साथ साथ यहां देखो इनके हॉर्मोन्स में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, हाँ एक चेंजेस ये आता है कि FSH का सिक्रेशन बढ़ने लगता है नेक्स्ट साइकिल में, क्योंकि यही फॉलिकल को डेवलपमेंट कराता है, सब कुछ खत्म हो गया तो नेक्स्ट फॉलिकल का डेवलपमेंट स्टार्ट, वही फिर से 6 से 12 फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल एंटर करेगा फर्दर डेवलपमेंट में, ठीक है, तो नेक्स्ट साइकिल में ये बात शुरू हो जाती है। तो ये पूरा आपका ये जो तीनों ऑर्गन, तीनों एक्चुअली हाँ तीनों ऑर्गन का जो एक साथ कंपैरिजन है, ये सारा सब कुछ साइमल्टेनियस होता है, जैसे यूट्रस में ये चेंजेस चल रहे हैं, ओवरी में ये चल रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड में ये चल रहे हैं, तो सब कुछ साइमल्टेनियस है। तो यहाँ पे देखोगे तो मैक्सिमम जो ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं वो इस दौर में होते हैं, ओवल्यूशन के आसपास होते हैं, एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यहाँ पे 23rd डे पे बढ़ता है। तो इसको आपको बोला, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, दिस पॉइंट इज टर्म्ड एज LH सर्ज एंड दिस मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ FSH इज नोन एज FSH सर्ज, ये पॉइंट से पूछा जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का सर्ज है, एस्ट्रोजन का सर्ज है, ये आपको पॉइंट्स किस दौर में आते हैं वो ध्यान रखने होते हैं, और बस यही है। जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये बहुत बार सवाल बन चुका है, इट अकर्स ओनली इन फीमेल प्राइमेट्स, किसमें, फीमेल प्राइमेट्स, प्राइमेट्स कौन कौन से हैं, मंकी हैं, एप्स हैं, ह्यूमन बींग्स, इनके अलावा और कहीं ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलता। अब ये मत सोच लेना कि सभी मैमल्स में चलता है, गाय भैंस में नहीं चलता, कुत्ते बिल्ली में नहीं चलता, उसमें एक और दूसरा साइक्लिक चेंज चलता है उनके फीमेल्स में, दैट इज टर्म्ड एज एस्ट्रस साइकिल, उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रस साइकिल, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिन एट प्यूबर्टी एंड दैट इज कॉल्ड मेनार्की, प्यूबर्टी पर जब पहली बार, प्यूबर्टी एज आने पर मींस पहली बार जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है दैट इज टर्म्ड एज मेनार्की, और एंड ऑफ द या स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज टर्म्ड एज मेनोपॉज, वो आता है 45 टू 50 इयर्स के आसपास आता है। एक आइडियल जो एवरेज इंटरवल है नेक्स्ट साइकिल के बीच वो 28-29 डेज का होता है, ये साइकिल अपनी इस दौर की होती है, मतलब आइडियली 30 डेज का होता है।
अगर 30 डेज से कम है और 30 डेज से ज्यादा है तो मतलब वो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब्ड है, दैट मींस डॉक्टर ने है लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अगर मेंस्ट्रुएशन रुक गया, नहीं आ रहा है, तो वो एक इंडिकेटिव हो सकता है किसका, प्रेगनेंसी का। हाउएवर इट मे ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू सम अदर अंडरलेइंग कॉजेस लाइक, देखना इधर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, और जो इस दौर वाला कंडीशन में नहीं रखना है स्ट्रेस। आपकी नॉर्मल लाइफ है तो थोड़ा सा लगता है ठीक है, लेकिन जो वर्किंग लेडीज होती हैं, जैसे आईटी कोई को बहुत सारे फील्ड हैं जहां पे जो काम कर रहा है, तो काम का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर की वजह से भी डिस्टर्ब हो जाता है और मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है लगभग 50 साल के आसपास, और इसके लिए टर्म यूज करा जाता है मेनोपॉज। एंड साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन द मेनार्की एंड मेनोपॉज। अगर ये नॉर्मली साइकिल चल रहा है तो आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो ठीक है, अगर नहीं चल रहा है तो कुछ समस्या है, डॉक्टर से जरूर मिले। एमनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और डिस्मेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, इज कॉल्ड डिस्मेनोरिया। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन भी होता है कई बार कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। एंड जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन रिड्यूस हो जाए, नॉर्मल जो ड्यूरेशन है 28-29 डेज से कम हो जाए, बहुत कम हो जाए, जैसे जो मीन्स एक दो तीन हफ्ते में वो साइकिल रिपीट होने लगे, तो आपको समझ लेना चाहिए दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड पॉलीमनोरिया। मीन्स पॉली वर्ड का मतलब मेनी, और ड्यूरेशन कम हुआ तो मतलब रिपीट होगा जल्दी, कई बार मेंस्ट्रुएशन होना, तो ये भी एक क्या है, प्रॉब्लम की कंडीशन है। इन सारे टर्म्स के बारे में बात रखना है, समझ के रखना है। एक वर्ड है मेंस्ट्रुअल हाइजीन, एनसीईआरटी में ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट करके लिखा हुआ है, बुक अभी पढ़ोगे तो। मेंस्ट्रुअल हाइजीन का मतलब क्या होता है, जो ब्लीडिंग फेज है, क्योंकि ब्लड लॉस होता है, टिश्यू लॉस होता है, तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना, उस दौर में जेनेटल ऑर्गन के इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसको क्लीनलीनेस रखना, उसको प्रॉपर हाइजेनिक हाइजीन मेंटेन करना, दैट इज अ मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो नेक्स्ट 9 पे लिखा है, टेक बाथ एंड क्लीन योरसेल्फ रेगुलरली। तो ये पूरी तरह से ये मिथ है, अगर कोई घर में कहता है कि नहीं नहीं नहाना चाहिए तो गलत है। उसके बाद है सैनिटरी नैपकिन्स, क्लीन होममेड पैड्स, नैपकिन्स भी यूज होते हैं और होममेड पैड्स भी यूज होते हैं, जिसे अलग अलग तरीके से लोग यूज करते हैं, है ना, तो उसको आप क्लीन रखें, वो बहुत ज़्यादा कैसा गंदा नहीं होना चाहिए, या बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए, नहीं तो वही रीज़न बन जाता है इन्फेक्शंस के, ठीक है। चेंज सैनिटरी नैपकिन्स या होममेड पैड आफ्टर, ये ड्यूरेशन आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, 4-5 hours, 4-5 घंटे में चेंज कर देना चाहिए, और उसके बाद ये जरूरी नहीं है 4-5 घंटे में, हो सकता है किसी किसी के 2-3 घंटे में ही चेंज करना पड़े, या इनिशियल डेज में हो सकता है 1-2 घंटे में ही चेंज करना पड़े, एज पर रिक्वायरमेंट, वो डिपेंड करता है कि ब्लड फ्लो कैसा चल रहा है ना, कैसा हो रहा है ब्लड फ्लो उस पर। एंड यही नहीं है, इधर देखो, यही नहीं है कि बस अपने अपने का तक का ध्यान रखना है, क्योंकि वो ब्लड लॉस है, फ्लेश है, सब कुछ वो बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है, उसका प्रॉपर डिस्पोजल बहुत जरूरी है, प्रॉपर डिस्पोजल बहुत जरूरी है। जैसे वो जो नैपकिन्स आते हैं ना, उसके पैकेट्स में आते हैं, तो उसके साथ साथ एक पॉली बैग भी आता है कि यूज करने के बाद उस पॉली बैग में रख के फिर उसको फेंको, छोटा सा वो ब्लैक कलर में आता है। तो डिस्पोज द यूज्ड सैनिटरी नैपकिन्स प्रॉपरली, रैपिंग विद यूज्ड पेपर में उसको रैप करके फेंको, या फिर जो उसके साथ डिस्पोज करने के लिए पॉली बैग आता है उसमें डिस्पोज करो, ऐसे खुले में कहीं नहीं फेंकना चाहिए, खुले में ऐसा नहीं कहीं वो डस्टबिन में डाल दिया, ले जाके कहीं फेंक दिया, तो वो कहीं फेंकने का मतलब है कि चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, वो पब्लिक हाइजीन का ध्यान आपने नहीं रखा, है ना, तो उससे बीमारियां और फैलती हैं, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड डू नॉट थ्रो द यूज्ड नैपकिन्स इन द ड्रेन पाइप, है ना, जैसे पब्लिक कोई टॉयलेट है तो आप ऐसा ना करें कि उधर ही निकाला फेंक के चले आए,
ऐसा नहीं है ना। एंड आफ्टर टॉयलेट्स इन अपने यहाँ तो नहीं कर सकते क्योंकि चाहिए, आफ्टर हैंडलिंग द नैपकिन्स, ये तो आपको सबको पता है, कॉमन सेंस की बात है, अपने हैंड वॉश प्रॉपर कर लेने चाहिए, नहीं तो खुद वही आपको बीमार कर सकता है क्योंकि माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती, बहुत सारे माइक्रोब्स ग्रो करेंगे कि फ्लैश है भाई, ब्लड एंड फ्लैश के लिए तो इतने माइक्रोब्स मर रहे होते हैं। तो ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन का भी ध्यान रखना, इस पे भी क्वेश्चन बने हैं कई बार, तो मेंस्ट्रुएशन अब पूरी तरह से खत्म हो गया। एग का स्ट्रक्चर ये थोड़ा सा आपको लिखना है, लिखना क्या है समझ लेना है पहले, फिर उसके बाद मैं बताता हूं। इसमें टर्शियरी ग्राफियन फॉलिकल सबके दिमाग में क्लियर है, टर्शियरी फॉलिकल के मेम्ब्रेन्स का नाम बोलो, और सॉरी टर्शियरी के मैच्योर फॉलिकल के, जैसे आपने ग्राफियन फॉलिकल बोला था, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, उसके बाद मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा है, एंट्रम है, उसके बाद ओवोफोरस है ना, उसके बाद एग के ओवोफोरस के पहले भी आपका एक स्ट्रक्चर है जोना पैलिसेटा है ना, फिर एग है, तो ये लेयर्स है। अब इसमें एग के स्ट्रक्चर के बारे में देखो क्या क्या, एग जब एग रिलीज हो जाता है फॉलिकल से बाहर आ गया तब क्या क्या लेयर्स होते हैं उसके बारे में देखो। ओवम इज सराउंडेड बाई मेम्ब्रेन्स टर्म्ड एज एग मेम्ब्रेन, और ये क्या क्या मेम्ब्रेन्स के साथ सराउंडेड होता है, तो वो तीन टाइप के मेम्ब्रेन है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एग मेम्ब्रेन्स आपकी कितनी है, तीन। पहली मेम्ब्रेन देखो, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन इज द सिक्रेटेड बाई ओवोसाइट इटसेल्फ, दैट इज द ओवोसाइट के जस्ट ऊपर क्या था, एक ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर जिसे हम क्या बोलते हैं, जोना पेलोसिटा, दैट इज द प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, और सिर्फ ये मैमल्स में पाया जाता है और किसी में नहीं है, तो ये एक मैमेलियन कैरेक्टर भी है, ध्यान रखना इसको। उसके बाद है सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन फाउंड आउटसाइड द प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, मतलब जोना पेलोसिटा के बाहर है एंड सिक्रेटेड बाई ओवरी, ये ओवरी बनाती है, एग नहीं बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा, क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। अभी ये इस लेयर देख लेते हैं कोरोना रेडिएटा का, ये एग है, एनसीईआरटी का पिक्चर है ये भी, तो आपको दिख रहा है ये जोना पेलिसिटा, ये वाली लेयर है, ठीक है। उसके बाद है कोरोना रेडिएटा, ये जो आपको सेल्स दिख रही हैं ये ओवरी की सेल्स हैं, और इसको बोला जाता है कोरोना रेडिएटा। तो दो मेम्ब्रेन ये हो गई, और इन्हीं दोनों मेम्ब्रेन को पेयर्स करना पड़ता है स्पर्म को टू फर्टिलाइज द एग, एग को फर्टिलाइज करने के लिए इन्हीं दोनों मेम्ब्रेन को क्या करना होता है, तोड़ के एंटर करना होता है, जिसमें मदद कौन करता है, स्पर्म का स्ट्रक्चर पे वो अपेक्स वाला रीजन याद करो, एक्रोसोम, ठीक है। ये टर्शियरी एग मेम्ब्रेन क्या है, दिस इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, इट इज आइदर सिक्रेटेड बाई यूटरस और ओविडक्ट, ये इसको ये तो यूटरस सिक्रीट करता है या फिर ओविडक्ट, एक जेली लाइक कोट होता है एम्फीबियंस में, सेल के फॉर्म में होता है, टेरेस्ट्रियल जो ओविपेरस एनिमल है, सेल समझते हो, कैल्शियम कार्बोनेट की जो कवरिंग होती है एग के ऊपर, दैट इज अ सेल, वो टर्शियरी मेम्ब्रेन है एग का, और यही जेली लाइक जो होगा वो एम्फीबियंस में होगा, टर्शियरी मेम्ब्रेन अपने में नहीं होता, अपने में सिर्फ दो मेम्ब्रेन होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, कौन कौन सा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है एग मेम्ब्रेन का, एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, पॉलीस्पर्मी को चेक करना, इस पे सवाल बहुत बने हैं, पॉलीस्पर्मी का मतलब होता है कि एक से ज्यादा स्पर्म कहीं एग को फर्टिलाइज ना कर दे, तो मेम्ब्रेन है तो एंट्री में प्रॉब्लम होगी, सारे स्पर्म नहीं एंटर कर पाते, अभी वो बताएंगे क्या क्यों नहीं कर पाते, कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस हैं, तो पॉलीस्पर्मी को भी ये प्रिवेंट करता है एंड प्रोवाइड बायोंसी टू द एम्फीबियंस एग मेम्ब्रेन, और ये टर्शियरी मेम्ब्रेन इसको बायोंसी प्रोवाइड करता है क्योंकि जेली लाइक लेयर है, जेली लाइक सब्सटेंस है बस। इतना आप एग के लिए मेम्ब्रेन लिखो और स्ट्रक्चर बनाओ।